So student, this is exercise 4.3, question number 9, one of the important question of this exercise. Two water tap together fill a tank in 9 3/8 hour. दो पानी के टैप, टैप जिन्हें हम नल कह सकते हैं, वो दोनों साथ मिलके किसी टैंक को, कोई टैंक है हमारे पास, उसको फिल करते हैं कितने, 9 3/8 hour. 9 3/8 मिक्स फ्रैक्शन में इसका इससे मल्टीप्लाई करो और इसमें ऐड कर दो, तो 72 + 3 = 75/8, मतलब 9 point something आएगा जो भी. लेट इट बी, अभी हमें इससे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ समझाने वाली बात है. दो वाटर का टैब है, दोनों मिलके जो टैंक को फिल कर रहे हैं वो 9 3/8 hour में फिल कर रहे हैं. अब ध्यान से देखना, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टैक्स 10 hours लेस देन द स्मॉलर डायमीटर. ऑब्वियस ही बात है, जिसका डायमीटर बड़ा है, जिस टैप का, इसको हम डायमीटर कहेंगे, ये पर्टिकुलर एरिया को, जो डायमीटर मतलब जो पाइप चौड़ा होगा वो ज्यादा टाइम नहीं लेगा एज कम्पेयर टू छोटा वाला. अगर छोटा वाला 20 hours लेता है तो ये कितना लेगा, 10 hours, मतलब 10 hours कम लेगा, जल्दी भर देगा इस टैंक को. बात समझ में आ रही? तो अगर ये x लेगा तो ये कितना लेगा, x माइनस 10, जो भी x की वैल्यू होगी उसमें से 10 माइनस कर देंगे. सिर्फ समझने वाली बात है बेटा, इसको अपन डिस्कस करेंगे आगे. फाइंड द टाइम टेकन इन विच ईच स्टेप कैन सेपरेटली फिल द टैंक. टाइम निकालना है हमें कि हर टैंक सेपरेटली फिल करे टैंक को. तो ध्यान से देखना बेटा, टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप भी एक्स आर. टाइम टेकन कितना हो गया स्मॉलर टैप, जो स्मॉलर छोटा टैप है, छोटा नल है, उसने कितने लिए, एक्स आर लिए. तो ऑब्वियस ही बात है, लार्जर टैप बड़ा वाला टैप कितना लेगा, एक्स माइनस 10 hours. और एक्स माइनस 10 जितना भी इसका होगा उसमें से 10 कम करेंगे. अभी हमने डिस्कस करा कहां पर, यहां पर, जितना भी ये होगा उसमें से 10 कम करेंगे. 20 था तो यहां 10 हो गया, 10 कम कर दिया. यहां एक्स है तो यहां कितना होगा, एक्स माइनस 10. सो आई होप इट इज क्लियर टू यू. टाइम टेकन टू फिल टैंक टूगेदर 9 3, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, दोनों मिलकर जो टैंक को फिल करेंगे 9 3/8 hour में करेंगे, मतलब 75/8 आ जाएगा. अभी हमने इसको ऐसे छोड़ दिया. अब ये समझना, टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, स्मॉलर टैप कितना एक्स आर ले रहा है पूरे एक टैंक को फिल करने में, तो ये 1 hour में कितना करेगा, 1/x पार्ट. कितना पार्ट फिल कर रहा था ये, पूरा पार्ट, कितने आर में, एक्स आर में. तो अगर इसको 1 hour के लिए निकालेंगे तो 1 hour में कितना करेगा, ये एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां कुछ नहीं है, 1 का मल्टीपल है, 1 × x कह सकते हैं. तो एक्स आर में कितना फिल कर रहा है, 1 टैंक, तो 1/x hour कितना करेगा, 1/x पार्ट कितनी देर में फिल करेगा, 1 hour में फिल करेगा. तो 1 hour में कितना फिल करेगा, 1/x पार्ट टैंक का, यही चीज यहां पर हमने निकाली है. नाउ पार्ट ऑफ टैंक फिल बाय द टैप इन 1 hour. अगर एक्स आर में पूरा टैंक फिल कर रहा है तो 1 hour में कितना करेगा, 1/x पार्ट, जितना भी टोटल है उसका 1/x पार्ट. तो टाइम टेकन बाय फिल द टैप इन 1 hour. अब जो लार्जर टैप कितना लेगा, ऑब्वियस ही बात है, ये 1x था, 1/x हो गया, ये कितना, x माइनस 10, तो 1/x - 10, मतलब यहां जो भी दे रखा है ये पर्टिकुलर टाइम दे रखा है. अब हमें सिर्फ सिंगल आर का निकालना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो जो भी यहां पर वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल ले लो, मतलब उसका उल्टा कर दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर. ध्यान से देखें तो यहां एक्स नहीं है, यहां क्या है, एक्स अपॉन 1, उल्टा करेंगे तो 1/x हो जाएगा. यहां कितना है, एक्स माइनस 10/1, एक्स माइनस 10/1 उल्टा करेंगे तो 1/x - 10. बात समझ में आ रही? ओके, सो एंड पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय बोथ टैप इन 1 hour. दोनों टैप दोनों मिलकर तो इतनी देर में कर देंगे, लेकिन 1 घंटे में कितना भरेंगे, तो 1 घंटे में जितना टोटल टाइम लग रहा है उसका रेसिप्रोकल ले लो, आपका आंसर आ जाएगा. होप इट इज क्लियर टू यू, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन ईजी हो जाएगा. अब देखो क्या लिखा है, टाइप ऑफ टैंक फिल बाय बोथ द टैप इन 1 hour. दोनों टैप मिलकर कितना भर रहे हैं, एक्स 8/51, मतलब अगर मैं 1/x + 1/x - 10 करूं इज इक्वल टू 8/57 कह सकता हूं. ये इतना पार्ट फिल कर रहा है 1 hour में, ये इतना पार्ट फिल कर रहा है 1 hour में, और टोटल पार्ट कितना फिल हो रहा है 1 hour में, तो वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं. ये इक्वेशन बनी है बेटा, बस इसी का यूज करके. फिर से समझाता हूं, पार्ट ऑफ टैंक फिल बाय बोथ टैप इन 1 hour. 1 hour में कितना फिल कर रहा है, 8/75, जितना भी हो उसका पार्ट 8/75. तो 1 और छोटा टैप कितना फिल कर रहा है, 1/x पार्ट. बड़ा टैप कितना फिल कर रहा है 1 hour में, इतना. दोनों को ऐड करेंगे तो 8/75 मिलेगा हमें, ये चीज समझ में आ जाएगी. तो बस आगे कुछ भी नहीं बचा है. नाउ 1/x + 1/x - 10 = 8/75. एलसीएम लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, x माइनस 10 × 1 = x - 10,
इंटू एक्स इज एक्स, और इन दोनों का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स माइनस टेन विल बी इक्वल टू 8/20, 8/75। एक्स प्लस एक्स टू एक्स माइनस टेन विल बी इक्वल टू एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स अपॉन 8/75। अब कुछ भी नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है। तो 75 इंटू टू इज 150, 75 इंटू टेन इज 750, 8 इंटू वन इज 8x स्क्वायर, 8 इंटू टेन इज 80x। थोड़ा अरेंज करेंगे इन दोनों टर्म को, उधर ले जाएंगे 8x स्क्वायर माइनस 80x, ये उधर गया तो माइनस 150x, ये उधर गया तो प्लस का 750 विल बी इक्वल टू जीरो। सॉल्व करा तो 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750x इज इक्वल टू जीरो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ए और सी का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ले तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा इसके फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स आए 230, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 6000 आया। 200 into 30 विल अगेन 6000, और 230 को ऐड करेंगे तो 230 आ जाएगा, वो भी माइनस का चाहिए तो दोनों माइनस के कंसिडर करेंगे, दोनों को माइनस का कंसिडर कर लिया हमने। सो माइनस 200 माइनस 30x प्लस 175, 8x यहां से कॉमन निकाला, 825 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा, 30 कॉमन निकाला 25 बचेगा, 8x माइनस 25 x माइनस 30। यहां समझना बेटा, यहां समझने लायक चीज है, x की दो वैल्यू है 25 और 30/8। 30/8 को हम करेंगे नेगलेक्ट। क्यों करेंगे नेगलेक्ट? अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 30/8 को, ये x क्या निकाला है हमने, x निकाला टाइम। तो अगर देखो ध्यान से, x को अगर हम 30/8 लें, अगर हम इसको सॉल्व करें तो 3 point something आएगा। 3 point something आएगा मतलब, अगर छोटा ये x क्या माना था हमने, स्मॉलर टैप। अगर हम पीछे देखेंगे तो x क्या माना था हमने, स्मॉलर टैप। अगर स्मॉलर टैप ही कितना टाइम ले रहा है बेटा, स्मॉलर टैप ही 3 point something आर ले रहा है, 3 point जो भी आ रहा है उसको अभी हम ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन जो भी आ रहा है, तो बड़ा टैप उससे 10 घंटे कम लेगा। तो टाइम अगर इसमें से 10 माइनस करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा, और टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो दिस टाइम विल बी नेगलेक्टेड एंड x इक्वल टू 25 इज आवर टाइम। टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप जो कि हमने x माना था वो कितना आया, 25 आवर्स आ गया, और टाइम टेकन लार्जर टैप कितना आ गया, जो भी इसमें टाइम लगेगा उसमें से 10 घंटे कम लगेगा। 25 माइनस 10 मतलब कितना लगेगा, 25 माइनस 10 मतलब कितना लगेगा, 15 आवर्स। तो टाइम टेकन बाय लार्जर टैप एक्स माइनस 10 दैट इज 25 माइनस 10 15 आवर। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ मूव टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। ऑब्वियसली बात है, एक्सप्रेस जो ट्रेन होती है वो कम समय लेती है, और पैसेंजर ट्रेन से, जो पैसेंजर ट्रेन है वो थोड़ी सी धीरे चलती है। द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन। एवरेज स्पीड जो है वो कितनी है एक्सप्रेस ट्रेन की, 11 आवर ज्यादा है किससे, पैसेंजर ट्रेन से, पर आवर के हिसाब से। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन, दोनों ट्रेन की हमने एवरेज स्पीड निकालनी है। हमने माना लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, हमें ये तो पता है एक्सप्रेस की पैसेंजर से ज्यादा है कितनी, 11 किलोमीटर, लेकिन हमें पैसेंजर की नहीं पता है। तो हमने पैसेंजर की अज्यूम कर ली, लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन भी x किलोमीटर पर आर। तो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितनी होगी, जितनी पैसेंजर की होगी उससे ज्यादा, 11 ज्यादा होगी, तो x प्लस 11 किलोमीटर पर आर। नाउ द डिस्टेंस ट्रेवल इज 132 किलोमीटर। बेटा यहां देखना समझना ध्यान से, हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो ध्यान से देखना, पैसेंजर ट्रेन जो टाइम ले रही है वो हम अज्यूम कर रहे हैं कितना ले रही है, T1 ले रही है। पैसेंजर ट्रेन जो टाइम ले रही है वो कितना ले रही है, T1 ले रही है। तो वो हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस तो वो कितनी कवर कर रही है 132, और टाइम स्पीड कितनी है उसकी x, तो 132 अपॉन x, इसको हमने T1 मान लिया। एक्सप्रेस ट्रेन जो टाइम ले रही है वो T2 हो रही है, T2 अगेन T2 क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो एक्सप्रेस ट्रेन भी कितना कर रही है 132, लेकिन जो स्पीड होगी उसकी उससे 11 किलोमीटर ज्यादा होगी, तो x प्लस 11। अब बात समझना यहां से, पैसेंजर ट्रेन और वो कह रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन। तो बेटा यहां समझना ध्यान से कि अगर एक्सप्रेस ट्रेन 10 आवर ले रही है, एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो ये वाली ट्रेन कितना लेगी, 9 आवर। मतलब इस टाइम में से इस टाइम को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 1,
हमेशा 1 मिलेगा। अगर ये 12 आवर ले रही है तो ये कितना लेगी, 11 आवर लेगी, 12 माइनस 1, 1 घंटा हमेशा कम लेगी। तो बेटा ध्यान से देखो, अगर मैं T1 माइनस T2 करूंगा हमेशा मुझे क्या मिलेगा, 1। बस वही मैंने करा, T1 कितना है, 132/x, 132/x माइनस 132/x+1, दैट विल बी इक्वल टू T2 हो गया, एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 1। बस अब कुछ नहीं है, सिंपल सी कैलकुलेशन है जो हमें करनी है। x प्लस 11 का हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, सो 132 इंटू एक्स प्लस 11 माइनस 132 इंटू एक्स अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई डिनोमेटर में हो जाएगा, x x प्लस 11 विल बी इक्वल टू व्हाट, 1। नाउ 132x प्लस 11 इंटू 132 इज 1452 माइनस 132x विल बी इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 11x। 132x कैंसल आउट एंड हियर x स्क्वायर प्लस 11x, ये जब उधर जाएगा तो इट विल बिकम माइनस 1452। अब 1 इंटू 1452 इज 1452। 1452 के जब हम फैक्टर निकालेंगे बेटा, 1452 के फैक्टर निकाले तो 2 से करा, 726 2 से करा, 363 2 से होगा नहीं, ऑड नंबर है, 3 से करा 121, 11 से करा 11, 11 से करा 1। मतलब अगर हम इसके फैक्टर निकालें, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 11 44 एंड 3 इंटू 11 इज 33। 44 और 33 इसके फैक्टर आ गए, तो 11x की जगह हम 44 और 33 जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, 44 माइनस 33 इज 11x, और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1452 हमें मिलेगा। इन दोनों में से x कॉमन निकाला, x प्लस 44, इन दोनों में से माइनस 33 कॉमन निकाला, तो x प्लस 44 विल बी इक्वल टू 0। सो x प्लस 44 दोनों में से कॉमन निकाल लिया, x माइनस 33 विल बी इक्वल टू 0। x की वैल्यू 30 और x की वैल्यू माइनस 44, x की वैल्यू 33 और x की वैल्यू माइनस 44, माइनस 44 को हम करेंगे नेगलेक्ट, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। सो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितनी आ गई, 33 जो हमने ऊपर एज्यूम करी थी, x स्पीड कितनी आ गई, यही हमें कैलकुलेट करनी थी, स्पीड ऑफ द ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड। सो यहां कितना आ गया, 33। स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितना हो गया, 33 प्लस 11, दैट विल बी इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 4.3।